हेलो, तो मेरा नाम विवेक है। मैं उत्तराखंड कोटद्वार से हूँ। मेरी एज 26 चल रही है अभी। जो ये हेयर फॉल था, ये 2016 से हो रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में अपना बहुत सारे ऑयल, शैम्पू, मेडिसिन ये यूज़ करी, बट उनका कोई रिजल्ट दिखा नहीं कुछ खास। तो फिर मैंने 2018 में ट्रांसप्लांट करवाने की सोची। तो मेरे फ्रंट वाले एरिया में मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था। तो उसके बाद जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उसके बाद से फिर अभी मेरा फिर ये बैक एरिया भी जाने लगा है। तो मैंने मतलब ऑयल शैम्पू तो यूज़ कर ही रहा था, फिर मैंने मेडिसिन भी ली थी, बायोटिन वगैरह, तो उसका भी कुछ असर दिखा नहीं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी बैक एरिया में भी पूरा ट्रांसप्लांट करवाना हूँ। मेरे को पता चला, मेरे को कोई मेरे रिलेटिव थे, तो उन्होंने भी यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था, हेयर ट्रांसप्लांट, तो उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहीं से करवाता हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा है। तो मेरी बात हुई थी कॉलिंग टीम से, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो मैं फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया मैंने, तो डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये मतलब 5000 ग्राम के बीच में आपको लगेगा। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया, फिर तो मेरे को आज की डेट मिली है 23। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या क्या प्रोसेसिंग होती है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की। अभी तो मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, और जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, मतलब क्लिनिक में आके। तो मिलते हैं सर्जरी के बाद। फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सर्जरी में 2 दिन लगे हैं, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है। और सो मेरे 5000 ग्राफ लगे हैं, वो QST टेक्निक से लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरे इस एरिया में पूरे में लगे हैं। सो मेरा जो QST के साथ एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और जो भी मतलब जहाँ पे मैंने पहले कराया था ट्रांसप्लांट, और उसके मुताबिक QST में आके मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा अपना। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट को करा के। सो जो मेरा डोनर एरिया था वो थोड़ा वीक था, तो जो फिर डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपके बियर्ड से थोड़े हेयर निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ से भी निकाले हैं थोड़े। तो डॉक्टर ने जैसे कि मेरे को अपना पूरा 100% दिया है, तो मैं भी अपना 100% दूंगा अपनी केयर करने में, जैसे जैसे डॉक्टर ने मेरे को अपना केयर करने को बोला है। और जो भी मेरा रिज़ल्ट आएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।